टीम इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे 5 T20 मैचेस की ये सीरीज जो 6 जुलाई से शुरू हुई अब अपने तीसरे T20 की जानिब बढ़ चुकी है। तीसरे T20 मैच को कवर करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के दरमियान अब तक ये सीरीज टाई है। एक मैच टीम जिम्बाब्वे ने जीता और दूसरा मैच टीम इंडिया ने जीता। थर्ड T20 मैच इंडिया और जिम्बाब्वे के दरमियान हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में दिन 4 बजे खेला जाएगा। अगर हम हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे के वेन्यू एनालिसिस में नजर डालें तो इस मैदान में अब तक 42 T20 मैचेस खेले जा चुके हैं। पहले बैटिंग करने वाली 24 मैच जीती और बाद में बैटिंग करने वाली टीम 18 मैच जीती। अगर इस पिच पे फर्स्ट इनिंग के एवरेज रन की बात की जाए तो वो 157 है। हाईएस्ट स्कोर जो इस पिच पे बने वो 234 हैं, जो मैच नंबर 2 में इसी सीरीज के टीम इंडिया ने बनाए। लोएस्ट स्कोर इस पिच पे 99 है, जो जिम्बाब्वे ने बनाए। अगर इस वेन्यू पे खेले गए 42 T20 मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए तो 20 मैचेस में रन 150 से कम रहे, 8 मैचेस में रन 151 से 170 तक गए, 7 मैचेस में रन 171 से 190 तक गए और 7 ही मैचेस में रन 190 से क्रॉस कर गए। अगर इस सीरीज में बॉलर्स की परफॉर्मेंस को देखा जाए इस मैदान पे तो लास्ट 2 T20 मैचेस जो खेले गए इंडिया और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज के 29 विकेटें चटकाई गई, जिनमें से 14 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने उड़ाई और 15 विकेटें स्पिनर्स ने उड़ाई। तो इससे यह तो साबित हुआ कि ये पिच स्पिनर्स और फास्ट दोनों के लिए ही हेल्पफुल होगी। अब हम जरा हेड टू हेड में नजर डालें तो टीम इंडिया और जिम्बाब्वे अब तक 10 मरतबा T20 क्रिकेट में आमने सामने हुई। टीम इंडिया ने वाज़े बढ़तरी हासिल की 7 फतह के साथ, जबकि जिम्बाब्वे 3 मैचेस जीती है। अगर लास्ट 5 T20 मैचेस की बात की जाए तो जिम्बाब्वे सिर्फ 1 मैच जीती और वो इस T20 सीरीज का पहला मैच है। बाकी 4 मैचेस में कामयाबी टीम इंडिया के पल्ले में गई। जरा हम नजर डालते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 पे। टीम इंडिया और टीम जिम्बाब्वे कौन कौन से 11 खिलाड़ियों के साथ इस मैच नंबर 3 के लिए मैदान में उतर सकती हैं। सबसे पहले टीम इंडिया अपने कैप्टन शुभमन गिल, विकेट कीपर दुर्रभ जुरल, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गेकवाड, सईद सुदर्शन, रियान परग, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अमेश खान और मुकेश कुमार के साथ इस मैच के लिए मैदान में उतर सकती है। जबकि दूसरी जानिब टीम जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 पर बात की जाए, कैप्टन सिकंदर रजा, विकेट कीपर तुलिम मडांडी, इनोसेंट काया, वेजले मधेविरी, ब्रेन बिन्नेट, डियोन मेयर्स, जॉनथन कैंपबेल, वेलिंगटन मजाकाजा, लुक जोंगवी, ब्लेसिंग मुजारबानी और टिंडाई चटारा के साथ इस मैच नंबर 3 के लिए टीम इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। प्लेइंग 11 के बाद अगर हम दोनों टीम्स के की प्लेयर्स की बात करें तो टीम इंडिया की जानिब से बैटर्स में अभिषेक शर्मा, जिन्होंने सेकंड T20 मैच में 212.77 के स्ट्राइक रेट से एक बेहतरीन शतक जड़ा, और ऋतुराज गेकवाड, जिन्होंने अब तक के 2 T20 मैचेस में 150 के स्ट्राइक रेट से 84 रन स्कोर किए। अगर बॉलर्स को देखा जाए तो रवि बिश्नोई 2 मैचेस में 6 विकेट चटकाई और मुकेश कुमार, जिन्होंने 2 मैचेस में 4 खिलाड़ियों को आउट किया, ये बंदे की प्लेयर साबित हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए। और अगर हम टीम जिम्बाब्वे की तरफ बढ़े और टीम जिम्बाब्वे पर नजर डालें तो टीम जिम्बाब्वे में जो पहला नाम आता है वेजले मधेविरी का है, जिन्होंने 2 मैचेस में 104.92 के स्ट्राइक रेट से 64 रन बनाए। जबकि दूसरे नंबर पे ब्रेन बिन्नेट, जिन्होंने 2 T20 मैचेस में 200 के स्ट्राइक रेट से 48 रन बनाए। और अगर बॉलर्स पे नजर डालें तो टीम जिम्बाब्वे की जानिब से सबसे पहले नाम आता है कैप्टन सिकंदर रजा का, जिन्होंने 2 मैचेस में 3 आउट किए, और फिर टंडाई चटारा, जिन्होंने 2 मैचेस में 3 आउट किए। तो ये 4 बंदे अपनी टीम के लिए की प्लेयर साबित हो सकते हैं। और अगर टीम जिम्बाब्वे इंडिया के खिलाफ ही मैच जीतना चाहती है तो टीम जिम्बाब्वे को बैटिंग बॉलिंग दोनों में इंडिया को पछाड़ना होगा। तो लेट्स सी हु विल विन दिस मैच। लेकिन हम कंक्लूजंस की बात करें, रिजल्ट्स की बात करें, प्रेडिक्शंस की बात करें तो हम लास्ट स्टैट्स से देखें, उस वेन्यू के एनालिसिस से देखें और इस सीरीज में जिस तरह इंडिया ने कमबैक किया, इन सब के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इंडिया विल बी फेवरेट फॉर दिस मैच। तो लेट्स सी क्या इंडिया ये मैच जीतती है या टीम जिम्बाब्वे एक मैच और जीत के एक और अपसेट करेगी।